उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के निधन के बाद से देश भर में शोक की लहर है। उनके निधन की खबर मिलते ही उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं में शोक फैल गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में शोक की वजह से बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने उनके निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि जेटली जी के जाने से देश को बड़ी क्षति हुई। वहीं जेटली जी के निधन की वजह से बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया। माननीय अरुण जेटली जी के ना रहने से देश और भारतीय जनता पार्टी को एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसको पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। माननीय जेटली जी एक राजनेता के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में, अधिवक्ता के रूप में और एक बुद्धिजीवी के रूप में जहाँ पर भी कार्य करते थे वहाँ पर उनकी छाप छूटती थी और वो दृढ़ शक्ति के व्यक्ति थे। और यही कारण है कि GST, नोटबंदी और बैंकों के विलयीकरण के जो बड़े बड़े फैसले हैं वे उनके वित्त मंत्री रहते हुए संभव हो सके। देश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के निधन से राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर है। जहां एक ओर देहरादून में बीजेपी उनकी उपलब्धियों का बखान करके पार्टी और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में इसे बड़ी क्षति मान रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रही है। के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में उन्होंने अनेकों दफ़ा पार्टी के संकट मोचक के रूप में उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया और जिस तरह से उनको प्रशासनिक कला थी उसमें विपक्ष के लोग भी उनसे अभिभूत रहते थे और जिस तरह से वो अपना सामाजिक जीवन के साथ साथ एक प्रखर नेता के रूप में उनकी जो भूमिका थी इस पार्टी के लिए वो अद्वितीय थी। आज ये एक अपूर्णीय क्षति है वो हमारे बीच में नहीं है। GST जैसा, नोटबंदी जैसा उन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव वाला जो एक नई बदलाव की नींव का आधार रखने का काम उन्होंने किया था इस देश में। अच्छे वकील थे और NDA सरकार में वो मंत्री भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी रहे। उनके जाने से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन क्योंकि वो एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, उनके जाने की चर्चा पूरे देश में है। बहुत लंबे समय से वो बीमार थे, उनको उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के आकस्मिक निधन पर देहरादून के मुखिया CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुख जताया और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अरुण जी एक बहुत ऊंचे विचारक, चिंतक, चाहे एक विधिवेत्ता के नाते एक कुशल वित्त मंत्री के नाते उनकी एक अपनी पहचान थी जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग है। आज अरुण जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उनके परिवार में उनकी जो पत्नी है वो भी आजकल कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं, बच्चे हैं, उनको ईश्वर इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अरुण जी का जाना एक पार्टी या विचारधारा की क्षति नहीं है, बल्कि एक तरह से वो देश की ताकत थे, ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया है। उत्तराखंड में एक दिन राजकीय शोक घोषित किया गया है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ 25 अगस्त को एक दिन का राजकीय शोक होगा। उत्तराखंड में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह ऐलान किया है। 25 अगस्त को एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। राज्य सरकार ने यह ऐलान किया है कि एक दिन का शोक रखा जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर। वही खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है राज्य सरकार द्वारा। यहां 25 अगस्त को
एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। देहरादून प्रदेश में हर साल प्राकृतिक आपदा के कारण अपार जनधन की हानि होती है, लेकिन इसके लिए तत्काल प्रभाव से राहत बचाव कार्य भले ही किया जाता हो, लेकिन किसी स्थायी समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं पर्यावरणविद वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल जोशी ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़, अनियोजित विकास और टिहरी बांध को इसका मुख्य कारण बताते हुए इस पर अध्ययन करने की बात कही। साथ ही कहा गया कि पहले ही कहा गया है एक बड़ा भूकंप आएगा, लेकिन उसके लिए चेतना की जरूरत है जो कि नहीं हो रही है। हिमालय क्षेत्र में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को बनाकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया जा रहा है जो कि भविष्य के लिए घातक है। देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए जिसे कि सरकारें शायद न स्वीकारें, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक भी हूँ, पारिस्थितिकी से भी हूँगा। अगर आप नोट करेंगे कि इस देश में मानसून क्यों आता है, समुद्रों से उड़ता है पानी और उत्तर भारत में जहां गर्मी पड़ती है, गर्मी से गैप होता है और वो पानी खींच के लाता है, वो बारिश पड़ती है। आपके बीच में एक बड़ा समुद्र भी है जिसका नाम टेहरी बांध है। क्या आपको नहीं लगता कि 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एवरेज रहता है वहां पर, एवोपरेशन होते हैं तो लोकल बारिश का वो एक बड़ा कारण बनता है। ये अध्ययन की आवश्यकता है। उत्तरकाशी के डीएम जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की मौजूदगी में बेस कैंप आराकोट से प्रभावित गांवों के लिए चरणबद्ध रूप से मजदूरों पीआरडी जवानों के द्वारा रसद पहुंचाई गई। आपदा घटित के सातवें दिन बलावट के नवासी परिवार, माकुली के 125, मोंडा के नवासी परिवार समेत इलाके के कई गांवों में फूड पैकेट वितरित किए गए। इसी तरह अन्य प्रभावित सभी गांवों में भी रसद भेजी जा रही है। तकरीबन 300 के करीब वन, लोक निर्माण विभाग, पीआरडी और स्थानीय मजदूर लगाए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान एसपी पंकज भट्ट को मलाना, नगवाड़ा, मोल्डी गांव के आपदा पीड़ित ग्रामीणों से मिले और ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। रसद सामग्री के साथ ही सड़क मार्गों और पैदल रास्तों का पुनः निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग टीमें कार्य कर रही है। आपने इतने बड़े घोटाले किए, इतनी बड़ी संपत्ति, दिनेशपुर क्षेत्र के अंतर्गत खटोला ग्राम सभा में एक मंदिर की चार दीवारी का शिलान्यास ने विधायक राजकुमार ठुकराल ने किया। इस दौरान रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इतने बड़े घोटाले किए, इतनी बड़ी संपत्ति, मेरे खटोला गांव का कोई आदमी निकल जाए तो इतनी संपत्ति, खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकता। आपने वित्त मंत्री रहते हुए, वाणिज्य मंत्री रहते हुए, आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। गृह मंत्री रहते हुए आपने, गृह मंत्री रहते हुए बदले की भावना से काम की। आज से ठीक दस साल पहले आपने हिंदुस्तान के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को जेलों में भिजवाया, अमित शाह बरी हो गए। आप बताइए आप किस स्थान पे खड़े हैं। आपने देश की संपत्ति को लुटाया, विदेशों में आपके कारखाने, तो आप घोटाले करेंगे तो जेल कौन जाएगा, आप ही तो जाएंगे। अगर मैं आज विधायक हूं, मैं अपने पद का दुरुपयोग करता हूं, मैं भ्रष्टाचारी होता हूं, अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाता हूं, तो मुझे भी एक दिन जेल जाना पड़ेगा। उत्तराखंड की जीवनदायिनी सेवा यानी 108 एम्बुलेंस सेवा को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इसके लिए कैंप नाम से नई कंपनी ने 108 एम्बुलेंस सेवा का करार लेने के बाद पहली बार प्रेस से मुखातिब होते हुए 108 एम्बुलेंस सेवा के महाप्रबंधक ऑपरेशन अनिल शर्मा ने कहा कि 3 महीनों में उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ने बेहतर काम किया है। पुरानी कंपनी के तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ कम समय में एम्बुलेंस पीड़ित लोगों तक पहुंची है और तत्काल उनको अस्पताल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। एम्बुलेंस सेवा के महाप्रबंधक ऑपरेशन के मुताबिक 26,416 आपातकालीन केस उनके पास 3 महीनों में आए। हम ये चाहेंगे कि हर जरूरतमंद को सर्विसेज टाइम से मिले। पिछले जो पुराने फोर्स मोटर के व्हीकल थे उसमें से 16 एम्बुलेंस हमने रेडी करके डिस्ट्रिक्ट वाइज डिप्लॉय कर दिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये डिटेल हमारे पास उपलब्ध है, इसको हम एसपी ट्रैफिक, आरटीओ और इवन मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी से भी शेयर करना चाहिए। कहीं पे हाई
स्पीड ब्रेकर है, कहीं पर गड्ढा है, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके कि एक्सीडेंट ही ना हो। उत्तराखंड के बहुचर्चित विधायकों की खरीद फरोख्त के स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कभी भी गाज गिर सकती है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में सीबीआई ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। ऐसे में हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में हरीश रावत की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पैरवीकर ने नैनीताल पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 2017 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था। इसके बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार गिरी और सरकार गिरने के बाद राज्यपाल की संस्तुति से हरीश रावत पर सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई हरीश रावत की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसी बीच हरीश रावत ने स्टिंग को फर्जी बताते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और अपनी गिरफ्तारी पर रोक और सीबीआई जांच को खत्म करने की मांग रखी। अब करीब 1.5 साल बाद सीबीआई ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। अब मामले में 20 सितंबर को सुनवाई होगी। जहां एक ओर पूरे प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है, जिनमें कई स्कूलों के बच्चे आंदोलन तक करने के लिए मजबूर हैं। विद्यालय में शिक्षकों की कमी को देखते हुए डीएम पौड़ी ने ऐसे विद्यालयों की लिस्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं शिक्षा विभाग को। लेकिन जिन विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिस वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में है, डीएम पौड़ी ऐसे विद्यालय का चयन करके इन विद्यालयों में ई क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिससे बच्चा अपने सवालों का जवाब स्कूल में बैठे ई क्लास द्वारा ले सकता है। ऐसी क्लास ऑनलाइन चलाई जाने की योजना डीएम पौड़ी धीराज सिंह ग्रब्याल ने तैयार करा ली है। अब शिक्षा विभाग ने भी इसे जल्द शुरू करने के लिए अपनी कमर कस ली है। इसे बहुत हद तक शिक्षकों की कमी से राहत मिलेगी। दूरदराज के इलाकों में अगर ये योजना सही ढंग से काम करती है तो आने वाले समय में शिक्षक विहीन विद्यालय में भी पढ़ाई की जा सकेगी। देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से धरना स्थल पर उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र डोरू और थकलू को बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज मुखर की गई। देहरादून के धरना स्थल में तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के फैसलों पर विरोध जताते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया राशि को लेकर जमा करने संबंधी आदेश सुना दिया है, तो लिहाजा त्रिवेंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर जबरन पूर्व मुख्यमंत्री को राहत देने का प्रयास किया है, जबकि किसी आपात परिस्थिति में अध्यादेश लाने का प्रावधान रहा है। इससे नाराज होकर उत्तराखंड के तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज मुखर की। इस प्रदर्शन में पूर्व नौकरशाह एसएस पागंती शिरकत की। इसका मूल कारण तो यह है कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्रियों के लिए उनकी सुविधाएं बनाए रखने के लिए और उनको जारी रखने के लिए सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के जो न्यायालय है और जो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो आदेश हैं उसकी एक तरीके से अवहेलना और अपमान किया है। और सरकार ने वित्तीय अनुशासन लाने के बजाय मात्र 4-5 लोगों के लिए एक अध्यादेश लेके आ रही है और इसका गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान प्रखर विरोध करता है, सामाजिक संगठन विरोध करते हैं। सरकार की सोच में ये भूत आ चुका है जो जन विरोधी क्रियाएं कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, उसके लिए डोर थकली रैली का आज आयोजन कर रहा है। मुख्यमंत्री क्या हमारे मुख्यमंत्री बिना आवास के क्या है? ये घर नहीं है इनके पास, क्या इनके पास आलीशान मकान है? अगर इनको खाली करा दिया जाए तो कौन सा आपात आने वाली थी? तो ऐसे में ये कानून का जो ये संवैधानिक ढांचा है हमारे उसको आघात कर रहे हैं। आपका जो हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ जो माने गए हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके कर्तव्य अलग अलग है। इनका जो डिवोल्यूशन पावर जो हो रखा है उसके अनुसार अलग अलग है। विधायिका का काम केवल कानून बनाना है, आवश्यकता अनुसार कानून बनाया जाए। उत्तराखंड में डेंगू के डंक ने सभी का जीना हराम कर दिया है। दिनों दिन डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। इसी बाबत स्वास्थ्य सचिव नीतीश कुमार झा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में बैठक की। इस बैठक में डेंगू से निपटने पर गंभीरता से चर्चा की गई, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है, साथ ही अतिरिक्त डेंगू के वार्डों को तैयार करने और लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। हालांकि सचिव ने माना अभी तक डेंगू के 636 मरीजों में पुष्टि हुई है, जिसमें से 180 मरीज अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। पूरे स्टेट में अभी तक 636 जो है कंफर्म डेंगू केसेस हैं, जिसमें आज की तारीख में लगभग 180 पेशेंट्स जो हैं वो भर्ती हैं। किंतु किसी चीज़ की, चाहे ब्लड की, जैसे अखबारों में आ रही थी कमी है, इस तरह के प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं है, और अभी 6 या 7 पेशेंट्स को ही प्लेटलेट्स देने की ज़रूरत पड़ी है। तो लोगों से यही अपील है कि ये कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, बस एक प्रिवेंशन रखें, अपने आसपास देखें कि कहीं जो डेंगू के मच्छर और ये अपने घरों में वहाँ ना पल रहे हों। और हमारी टीम जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 6 वार्ड जो रायपुर के हैं जहाँ ज़्यादा समस्या है, वहाँ वो घर घर पहले भी जा रहे हैं, और एक इंटेंसिफाइड कैंपेन अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो 1 वीक तक हर घर तक हमारी टीम पहुँचेगी। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण को एम्स ऋषिकेश ने डिस्चार्ज कर दिया है। आचार्य को संदिग्ध पदार्थ खाने की वजह से तबियत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती किया गया था। बालकृष्ण की हालत में सुधार होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। आचार्य बालकृष्ण डिस्चार्ज होने के बाद हरिद्वार आने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद आचार्य को हरिद्वार के दादूबाग आश्रम में लाया गया, जहां उनके साथ बाबा रामदेव भी मौजूद हैं। आचार्य बालकृष्ण जी पूरी तरह स्वस्थ हैं। आज के दिन उनको आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो अपने घर चले गए हैं। घर जाने से पहले खुद चल रहे थे, बात कर रहे थे, इंटरेक्शन पूरी तरह कर रहे थे। उसके अलावा न्यूरोलॉजी कार्डिक सभी लोगों ने देखा, पूरी तरह स्वस्थ हैं। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके सारे अनुयायी इस बात से जो खुश हैं और खुश रहें कि हम लोग को सेवा का मौका मिला, और हम लोग लगातार जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। फिलहाल बस इतना ही, आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।